सो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का ऐसा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आज का यह वीडियो फाइनल एग्ज़ाम का रिविजन वीडियो है, इसीलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे जो पहला सवाल हमारा कहता है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया तुर्की एवं रूस के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया यूनान और पोलैंड के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया हंगरी और तुर्की के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया हंगरी और पोलैंड के बीच। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन दो कहता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। दोस्तों, याद रखिएगा सन 1829 ईस्वी की बात है जब एड्रियानोपल की संधि हो गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन तीन कहता है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, याद रखिएगा सन 1810 ईस्वी की बात है जब कार्बोनरी संगठन मेजनी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन चार कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, याद रखिएगा सन 1832 ईस्वी की बात है जब यूनानियों ने तुर्की से अपना लड़ाई करके अपना अधिकार को छीन लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और सन 1832 ईस्वी में पूरे विश्व में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। अगला सवाल क्वेश्चन पाँच कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये सबसे पहले ऑप्शन डी यानी इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन छः हमारा कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों, याद रखिएगा यूरोप वासियों के लिए यूनान एक ऐसा राष्ट्र है जिसका साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यूनान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन सात कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। दोस्तों, याद रखिएगा 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, वहीं पे 1870 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1870 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन आठ कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों, याद रखिएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, और यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क हो जाएगा। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी हो जाएगा। और कब किया था, तो 1831 ईस्वी में। और यंग इंडिया नामक संस्था की भी स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। अगला सवाल कहता है जालबेरिन कैसी संस्था थी। बहुत सारे बुक में आपको क्रांतिकारियों की संस्था बता दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, याद रखिएगा जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था का नाम है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, जर्मन राइन राज का जो निर्माण है ना, ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी में किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों, याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से ना ही किसान था, ना ही जमींदार और ना ही सिपाही था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था यानी नाव चलाने वाला था।
उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है काउंट काबुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, काउंट काबुर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, इटली एवं जर्मनी ये दोनों देश जब एकीकरण के लिए आगे बढ़ रहे थे तो हमेशा से ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो तमाम देशों के एकीकरण के होने में बाधा बनता था। और बहुत ही मज़ेदार एक बात और है कि जिस जिस भी देश में ये बाधा बनता था सब जगह ऑस्ट्रिया की हार होती थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। दोस्तों याद रखिएगा, मेजनी का संबंध जो है ना ये कार्बोनरी संगठन से है जिसकी स्थापना सन 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 15 कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद में द्वारा किया गया था। और वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये सन 1915 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप महादेश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1870 ईस्वी की बात है जब फ्रांस एवं प्रशा के बीच में एक युद्ध हुआ था जो सेडान में हुआ था। और इसी युद्ध को सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाएगा सेडान का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा सेडान में ही। सेडेवा का युद्ध या सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं प्रशा के बीच में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। दोस्तों ऑस्ट्रिया एक ऐसा राष्ट्र था जिसका जो पूर्ण अधिकार था ना, ये हंगरी देश पे अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोला जाता है हंगरी की भाषा क्या थी, तो वैसे स्थिति में बता दीजिएगा हंगरी की भाषा मैग्यार थी। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हो रहा था जिसे ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि फ्रांस नहीं बल्कि रूस ने कुचल दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलैंड में हो रहे विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो रूस ने कुचल दिया था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि सन 1870 में फ्रांस एवं प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। हम आप सभी को बता दिए हैं कि फ्रांस एवं प्रशा के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह युद्ध सेडान में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सेडान। उसके बाद में हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद सब्जेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। दोस्तों याद रखिएगा, रूस में जितने भी रूस का सम्राट हुआ करते थे उन सभी सम्राटों को जार कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी में ही कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो सन 1818 ईस्वी को हुआ था। और जर्मनी में कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में ही कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से
कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? दोस्तों यूरोपियन समाजवादी नहीं था तो सेंट साइमन यूरोपियन समाजवादी थे, रॉबर्ट ओवेन ये भी यूरोपियन समाजवादी थे, लुई ब्लाह तो थे ही, लेकिन कार्ल मार्क्स यूरोपियन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, जो कि ऑप्शन सी में है। अदर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वार एंड पीस जो है ना ये कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि टॉलस्टॉय की रचना है। और वहीं पे बात करेंगे, देखिए वार एंड पीस का मतलब ही होता है युद्ध और शांति। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखिए यहाँ पे वार एक इंग्लिश वर्ड है, एंड का मतलब और होता है, पीस का मतलब शांति होता है, वार का मतलब युद्ध होता है। तो युद्ध और शांति के रचनाकार कौन है? तो टॉलस्टॉय हो जाएगा। और दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। फिर बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों जान ही चाहिए, नवंबर 1917 ईस्वी की बात है, जब लेनिन के नेतृत्व में नवंबर 1917 में एक क्रांति की गई थी जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 8 कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, ट्रास्टकी एक ऐसा व्यक्ति था जिनके द्वारा लाल खमेर पार्टी का गठन या लाल सेना पार्टी का गठन किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? पहला ऑप्शन में दिया जाता है 1921 में, 1922 में, 1923 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में दिया जाता है 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी और उसी के 3 साल बाद यानी सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो सवाल बोला जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति लेनिन के द्वारा कब किया गया था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में इन लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो सन 1921 ईस्वी में। और लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो सन 1924 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस एवं जर्मनी के बीच हुई थी, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, प्लेखानो एक ऐसा व्यक्ति था जो रूस का पहला समाजवादी था, और यहाँ पे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग भी रूस में ही किया गया था। उसके बाद में सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि राष्ट्रपुतिन कौन था? दोस्तों भ्रष्ट पादरी को राष्ट्रपुतिन कहा जाता था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपुतिन कौन था? तो आप बता सकते हैं राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। अगला सवाल यहाँ पे आ ही गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? हम आप सभी को क्या बताए हैं कि लेनिन के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में एक नीति लागू की गई थी जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 14 कहता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन फराओ, जार, राजा, रीजेंट। तो हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से बता ही चुके हैं कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, यानी रूस में जितने भी राजा हुआ करते थे ना, उन सभी राजाओं को जार कहा जाता था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, मजदूर संघ अधिनियम की घोषणा सन 1926 ईस्वी में की गई थी, और प्रत्येक 1 मई की बात है जब मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं पे 15 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पे आ ही गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बता दीजिएगा, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? हम आप सभी को बता ही चुके हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा सन 1867 ईस्वी में एक पुस्तक रचना की गई थी जिसका नाम रखा गया दास कैपिटल,
जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 19 कहता है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। दोस्तों इंजील्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में मिलकर कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी पीटल थी। दोस्तों जार निकोलस द्वितीय जो रूस का सम्राट था और इसी के पत्नी का नाम जरीना था, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था जर्मनी के एकीकरण में, और ये जो थी ना ये जर्मनी के राजकुमारी थी। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टीच ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर लाया जाएगा उन सभी वीडियो को आप देख सकें, और आप हमारे द्वारा वीडियो को देखकर अच्छे खासे नंबर से पास हो सकें। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी देख चुके हैं हिस्ट्री का 2 अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।